बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज बोर्ड से तकरीबन 258 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज बोर्ड को यह रकम जमा करवाने के लिए केवल 15 दिन का वक्त दिया है। आपको बता दें कि यदि तय सीमा के भीतर वेस्ट इंडीज बोर्ड ने तय रकम का भुगतान नहीं किया तो बीसीसीआई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। साथ ही बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष डेव कैमरन को 4 पन्नों का पत्र लिखा है। खबर है कि पटेल ने यह साफ किया कि 15 दिन की समय सीमा में यदि मामला का निपटारा नहीं होता तो बीसीसीआई वेस्ट इंडीज बोर्ड पर कानूनी केस करेगा। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस मसले पर बीच का रास्ता निकलता है या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट।